दोस्तों जैसे ही सात समंदर पार से न्यूज आई कि ऑस्कर्स 2023 में ट्रिपल आर मूवी के नाटू नाटू सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में ऑस्कर मिला है, वैसे ही पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। अब सवाल आता है कि क्या ऑस्कर जीत पाना इतना मुश्किल है? क्या इसको जीतने के बाद इंडियन सिनेमा का इन्फ्लुएंस ग्लोबल स्टेज पर बढ़ेगा? क्या इससे दुनिया में भारत की सॉफ्ट पावर बढ़ेगी? और आखिर में ये ऑस्कर है क्या और कैसे मिलता है? चलिए इन सभी सवालों के जवाब हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। हिस्ट्री ऑफ ऑस्कर। जब 1927 में एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, उसी समय लॉस एंजलिस में स्थित बिलमोर होटल के क्रिस्टल बॉल रूम में एक डिनर ऑर्गेनाइज किया गया। उसमें ये डिसाइड किया गया कि आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स को ऑनर करने के लिए कोई रास्ता ढूंढना होगा, जिससे कि लोगों को और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित किया जा सके। और यहीं से ऑस्कर की शुरुआत हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य था फिल्म इंडस्ट्री की पांचों ब्रांच एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, टेक्नीशियंस और राइटर्स को यूनाइट करना और फिल्म प्रोडक्शन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। दो साल बाद 16 मई 1929 को ऑस्कर का पहला इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया। साल 1956 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म की कैटेगरी इन अवार्ड्स में ऐड की गई। तब तक ये अवार्ड्स मोस्टली अमेरिकन फिल्म्स को ही दिए जाते थे। ऑस्कर्स के अवार्ड्स में 24 अलग अलग कैटेगरीज हैं, जिसमें इसे जीता जा सकता है। ये कैटेगरीज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे कि बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट मूवी, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। हॉलीवुड के लिए पांच सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं, द बेस्ट मूवी, द बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस एंड बेस्ट स्क्रीन प्ले। इन सभी को द बिग फाइव कहा जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ऑस्कर्स। अगर किसी भी फिल्म को इन कैटेगरीज में से कोई भी अवार्ड जीतना है तो उन्हें एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है। और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपकी फिल्म को कमर्शियल थिएटर्स में रिलीज किया जाना चाहिए एटलीस्ट 7 डेज के लिए इनमें से किसी भी एक शहर में। लॉस एंजलिस काउंटी, द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क, द बे एरिया, शिकागो इलिनॉइस, मियामी फ्लोरिडा या फिर एटलांटा जॉर्जिया। प्रीवियस ईयर के 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के बीच में आपकी फिल्म कम से कम 7 दिन के लिए इनमें से किसी भी एक जगह में कमर्शियल थिएटर्स में रिलीज होनी चाहिए। इस पूरी प्रोसेस में 4 स्टेप्स हैं। पहले एलिजिबिलिटी, उसके बाद शॉर्टलिस्ट, देन नॉमिनी और लास्ट में विनर। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन विनर्स को चुना कैसे जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि इन विनर्स को वोटिंग के जरिए चुना जाता है और लगभग 10,000 लोग ऑस्कर के अवार्ड्स में वोट करते हैं। जो लोग वोट करते हैं वो बेसिकली फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग होते हैं, जैसे कि फिल्म डायरेक्टर्स, एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स एक्सेट्रा। इनमें से कई लोग तो वो हैं जो पहले ऑस्कर्स में अवार्ड्स जीत चुके हैं। इन अलग अलग वोटर्स को 17 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, जैसे कि एक ब्रांच हो गई डायरेक्टर्स की, एक ब्रांच हो गई एक्ट्रेस की, एक हो गई प्रोड्यूसर्स की। और जिस कैटेगरी में अवार्ड दिया जा रहा है उसी ब्रांच के लोग उस कैटेगरी के लिए वोट करते हैं। जैसे कि अगर बेस्ट डायरेक्टर के लिए अवार्ड दिया जा रहा है तो वोटिंग करते हैं सिर्फ डायरेक्टर्स। सेम प्रोसीजर को सभी ब्रांचेस के लिए फॉलो किया जाता है। वोटिंग या तो बैलेट पेपर के थ्रू की जाती है या फिर ऑनलाइन भी की जा सकती है। ज्यादातर कैटेगरीज में उसको विनर डिक्लेयर करते हैं जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले हो। लेकिन बेस्ट मूवी की जो कैटेगरी है उसमें प्रेफरेंशियल वोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है विनर को डिक्लेयर करने के लिए। इंडिया ने बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म की कैटेगरी में अभी तक कोई भी अवार्ड नहीं जीता है, लेकिन हमारी 3 फिल्मों को नॉमिनेट जरूर किया गया है इस कैटेगरी में। साल 1957 में मदर इंडिया, 1988 में सलाम बॉम्बे और 2001 में लगान फिल्म को नॉमिनेट किया गया था। लगान फिल्म ने तो आशा जगा दी थी ऑस्कर जीतने की, लेकिन वो हो नहीं पाया। साल 1983 में भानु अथैया ने इतिहास रच दिया जब इन्हें गांधी फिल्म में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन की कैटेगरी में ऑस्कर मिला। साल 1992 में सत्यजीत रे को लाइफ टाइम अचीवमेंट इन फिल्म मेकिंग के लिए ऑनररी अवार्ड दिया गया। ये इतिहास में आज तक इकलौते इंडियन हैं जिन्हें ये ऑनर दिया गया। साल 2009 में AR रहमान को स्लमडॉग मिलियनेयर मूवी के लिए 2 ऑस्कर अवार्ड मिले, एक बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में और दूसरा बेस्ट ओरिजिनल स्कोर कैटेगरी में। और अब इंडिया ने 2 ऑस्कर अवार्ड जीतकर फिर से इतिहास रच दिया है, जिसमें पहला ऑस्कर अवार्ड मिला है RRR मूवी के नाटू नाटू सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में और दूसरा ऑस्कर अवार्ड मिला है द एलिफेंट विस्परर्स को डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट की कैटेगरी में। ऑस्कर्स इंपोर्टेंस फॉर इंडिया। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ऑस्कर्स एक बहुत ही प्रेस्टीजियस अवार्ड्स है और ऑस्कर अवार्ड जीतना बहुत ही गर्व की बात है। ये बात सच है कि ऑस्कर अवार्ड जीत पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि आपका कॉम्पिटिशन दुनिया के बेस्ट लोगों के साथ होता है। अगर कोई इंडियन फिल्म ऑस्कर अवार्ड जीतती है तो उसकी वजह से इंडियन सिनेमा का इन्फ्लुएंस ग्लोबल स्टेज पर बढ़ जाता है, क्योंकि ऑस्कर सेरेमनी को ऑल ओवर द वर्ल्ड
वर्ल्ड करोड़ों लोग देखते हैं। और भारत के सॉफ्ट पावर को बढ़ाने के लिए इंडियन सिनेमा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को भी बहुत फायदा होता है। ऑस्कर जीतने पर इंडियन सिनेमा को इंटरनेशनली रिकॉग्निशन मिलता है और इंडियन फिल्म मेकर्स को इंटरनेशनल फिल्म मेकर्स और एक्टर्स के साथ कोलैबोरेट करने का भी मौका मिलता है। ओवरऑल देखा जाए तो ऑस्कर्स इंडिया के लिए डायरेक्टली इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट इनडायरेक्टली इसकी वजह से इंडिया की सॉफ्ट पावर जरूर बढ़ती है। हे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक वाला बटन भी प्रेस कर दीजिए और हाँ, लाल वाला सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए।